नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं आईकेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रक्त में यूरिक एसिड बढ़ जाने पर यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जाकर जमा हो जाता है और वहां पर जाकर दर्द एवं सूजन का पर्याय बन जाता है। इसी परिस्थिति को गाउट कहा जाता है। इसका अधिकतम असर मुख्यतः पैरों और हाथों के जोड़ों पर अधिक पड़ता है। दोस्तों, ज्यादातर भोजन में प्रोटीन ज्यादा लेने पर पैरों और हाथों के जोड़ों में सूजन वगैरह पैदा हो जाती है, जिससे दर्द भी बढ़ता है। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको इसका प्राकृतिक और आयुर्वेदिक इलाज बताने जा रहे हैं, जिससे आप इस रोग पर सिर्फ 5 दिन के भीतर ही काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं यूरिक एसिड के लक्षणों पर। दोस्तों, शुरुआत में यूरिक एसिड के बढ़ने का पता नहीं लग पाता है। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि यूरिक एसिड के बढ़ने को कैसे पहचाने। दोस्तों, कुछ लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है। नंबर 1, जोड़ों में दर्द होना, उठने बैठने में परेशानी होना। नंबर 2, उंगलियों में सूजन आ जाना। नंबर 3, जोड़ों में गांठ की शिकायत होना। दोस्तों, इसके अलावा पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द होता है, जो कई बार असहनीय हो जाता है। इसमें आदमी ज्यादा जल्दी थक भी जाता है। दोस्तों, इसलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कभी भी इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन ये यूरिक एसिड होता क्यों है, यह जान लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप सचेत रहे और उन चीजों से दूर रहे जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण देखते हैं। दोस्तों, खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज के मरीज है तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना तय है, क्योंकि डायबिटीज की दवाओं से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। दोस्तों, रेड मीट, सी फूड, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, अरबी और चावल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। दोस्तों, खाने के रूप में लिया जाने वाला प्यूरिन प्रोटीन भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। दोस्तों, जो लोग व्रत रखते हैं उनमें भी अस्थायी रूप से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, जबरदस्ती एक्सरसाइज करने या फिर वजन कम करने के चक्कर में भी कई बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवाएं, पेन किलर्स और कैंसर रोधी दवाएं खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, अब देखते हैं इस पर क्या उपाय किया जाए। दोस्तों, सर्वप्रथम रोगी को चाहिए कि वो अपना पंचकर्म करवा ले। पंचकर्म करवाने से शरीर की सारी गंदगी मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। ऐसे में शरीर के 90% रोग सिर्फ पंचकर्म से ही दूर हो जाते हैं। यह बहुत आसान सी विधि है जो आयुर्वेद केंद्रों पर की जाती है। दोस्तों, इसके बाद आपको 5 दिन तक करना है, वो है फास्ट अर्थात व्रत। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, बस इसमें आप अनाज या दूध या दालें नहीं लेंगे। इसकी जगह पर आप अपनी दिनचर्या हमारे कहे अनुसार करेंगे और आपको इसका नतीजा सिर्फ 5 दिन में दिखाई देने लगेगा। तो आइए जाने। दोस्तों, सुबह सोच के बाद 1 गिलास लौकी का जूस, इसमें 50 मिलीलीटर आंवले का रस मिलाकर लेना शुरू करें। इसके आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसके बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में 50 मिलीलीटर एलोवेरा जेल मिलाकर पिए। दोस्तों, इसके आधे घंटे बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों, सुबह नाश्ते में 1 गिलास संतरे, मौसम्बी, किन्नू, माल्टा इत्यादि का रस पिलाएं। इसमें आप सेंधा नमक मिला सकते हैं और इसके 1 घंटे बाद जितना हो सके उतना पानी रुक रुक कर पिए। संतरे का जूस जोड़ों में संग्रहित यूरिक एसिड को घोलकर दोबारा रक्त में डाल देता है, जहां से किडनी के द्वारा फिल्टर होकर शरीर में बाहर निकल जाता है। दोस्तों, दोपहर में फिर से 1 गिलास संतरे का रस सेंधा नमक मिलाकर पीजिए। अभी अगर आपका कुछ खाने का मन हो तो सलाद वगैरह खाए और रात को भी यही आप दोहराए और दिन के बीच बीच में आप नींबू पानी पीजिए, उसमें भी सिर्फ सेंधा नमक ही मिलाए, ध्यान रहे चीनी नहीं मिलानी है। दोस्तों, पूरे दिन में अधिक से अधिक पानी पीजिए। आप जितना पानी पी सकते हैं उससे 2 गुना पानी पीजिए। दोपहर में आप छाछ भी पी सकते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड को शरीर से निकालने के लिए विटामिन सी बेहद उपयोगी होता है। जितना हो सके इन दिनों विटामिन सी का उपयोग करें। आंवला किसी भी रूप में खाइए, चाहे कैंडी, चाहे पाउडर, चाहे मुरब्बा,
और रात को सोते समय फिर से एक गिलास गर्म पानी में 50 मिलीलीटर एलोवेरा को मिलाकर पीजिए। दोस्तों ऐसा करने से आपको ज्यादा नहीं मात्र 2 दिन में ही फर्क देखने को मिलेगा। और हाँ, इतने दिनों में आपको प्रोटीन वाली वस्तुओं से परहेज करना है, जैसे कि दूध, पनीर, दालें इत्यादि। दोस्तों फूड जो आप पूरे दिन भर में खाने हैं, इसके साथ आप सेब, आंवला, पत्ता गोभी, गाजर, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, चुकंदर, अंगूर, अमरूद, चेरी, पपीता इत्यादि फल खा सकते हैं। इसके साथ में अलसी और अखरोट का भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप अपना पंचकर्म करना चाहते हैं तो पहले 2 दिन तक केवल गर्म पानी पीजिए और रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में 5 मिलीलीटर अरंडी का तेल मिलाकर पीजिए, जिससे आपको दस्त हो और आपके शरीर में जमा हुआ गंध बाहर निकले। दोस्तों अगर आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो पंचकर्म जरूर करवाएं। आप खुद ही 2-4 दिन में इस दर्द से ही नहीं अपितु अनेक बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियोस में। भगवान करे आपका आज का दिन शुभ रहे।